नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे एक और नए वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आयुष्मान कार्ड का जो न्यू पोर्टल बेनिफिशियरी पोर्टल है, उस पोर्टल का आपको यहाँ पर एजेंसी ऑपरेटर आईडी किस प्रकार से आपको लेना है। तो हम यहाँ पर दोस्तों इस वीडियो में आपको हम पूरा प्रोसेस लाइव दिखाने वाले कि किस प्रकार से आप आयुष्मान कार्ड का जो एजेंसी ऑपरेटर आईडी होता है उसे आप कैसे लेंगे, और उस आईडी लेने के बाद आप यहाँ पर क्या क्या से क्या क्या काम कर सकते हैं ये भी आपको हम इस वीडियो में बताने वाले। तो आप इस वीडियो को बिना स्किप के वीडियो को पूरा देखना होगा। दोस्तों मेरा नाम है दिलखुश और आप देख रहे हैं ऑनलाइन दिलखुश यूट्यूब चैनल। अगर आप लोग हमारे चैनल पर पहली बार है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दे और बगल में जो बेल आइकन है उसी भी ऊपर ऑल प्रेस कर दे ताकि हमारा आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। चलिए इस कमाल वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आयुष्मान कार्ड का एजेंसी ऑपरेटर आईडी लेने के लिए आपको सबसे पहले इसी पोर्टल पे आ जाना। हम आपको पहले अपना जो एजेंसी ऑपरेटर आईडी मेरे पास है वो हम आपको दिखा देते हैं, तब उसके बाद आपको कैसे रजिस्ट्रेशन करना है वो भी हम बता देते हैं। पर हम ऑपरेटर सेलेक्ट कर लेते हैं और अपने यहाँ पर मोबाइल नंबर डाल देते हैं। मोबाइल नंबर डालने के बाद आप वेरीफाई कीजिएगा, फिर अपना ओटीपी डाल कर कैप्चा डाल के लॉग इन कर लीजिएगा। तो यहाँ पर हम चलिए लॉग इन कर लेते हैं। तो यहाँ पर अपना मोबाइल में डाल के वेरीफाई किए थे, यहाँ पर देखिए मेरा मोबाइल पर ओटीपी सेंड कर दिया गया। अब जो भी ओटीपी आया है क्या करते हैं, उस ओटीपी को यहाँ पर हम फिलअप कर देते हैं। फिर नीचे यहाँ पर देख सकते हैं कैप्चा शो कर रहा है, हम क्या करते हैं कैप्चा को सही सही फिलअप कर देते हैं। फिलअप करने बाद आपको लॉग इन पे क्लिक कीजिएगा। लॉग इन पे क्लिक करने बाद इस तरह से आपका लॉग इन हो जाएगा। लॉग इन होने बाद यहाँ पर देखिए मेरा जो ऑपरेटर वी आई एस है यहाँ पर देख सकते हैं। हम आपको क्या करते हैं, अब आपको यहाँ पर जाना है स्विच रोल पे, इस पर क्लिक कीजिएगा तो आपके सामने इस तरह से रोल ऑप्शन हो जाएगा। यहाँ पर एंट्री नेम आपका सी एस सी ओ रहेगा, फिर आपको रोल डिटेल आपको यहाँ पर चेंज करना होगा। हम रोल डिटेल पे क्लिक करते थे, यहाँ पर देख सकते हैं एजेंसी ऑपरेटर, इसमें हम क्लिक करते हैं और प्रोसीड पे क्लिक करते हैं। तो मेरा यहाँ पर नेक्स्ट पेज इस तरह से मेरा जो एजेंसी ऑपरेटर आईडी है इस तरह से ओपन हो जाएगा। यहाँ से हम कार्ड डाउन यहाँ पर कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं, यहाँ पर देखते हैं कि डाउनलोड कार्ड डाटा, कार्ड प्रिंटिंग कर सकते हैं, यहाँ पर कार्ड को डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं, यहाँ पर कार्ड को वितरण कर सकते हैं। यहाँ पर हम डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करते हैं, यहाँ पर देख सकते हैं और यहाँ पर सब डिस्ट्रिक्ट, और फिर यहाँ पर हम विलेज सर्च पर क्लिक करते हैं। इस तरह से यहाँ पर देखते हैं दो कार्ड यहाँ पर प्रिंटिंग के लिए रेडी है। इस कार्ड को यहाँ पर हम प्रिंट के यहाँ पर इसको हम वितरण के लिए भी सेंड कर सकते हैं, पर कार्ड डिलीवर के लिए हम सेंड कर सकते हैं। तो आपको ये आईडी लेंगे तो आप यहाँ पर किसी भी कार्ड को अपना यहाँ पर प्रिंटिंग के लिए भेज सकते हैं और डाउनलोड करके उसको यहाँ पर पीवीसी कार्ड में उसको यहाँ पर पीवीसी कार्ड के बाद में डिलीवर भी करवा सकते हैं, पर वितरण भी कर सकते हैं, डिस्ट्रीब्यूट भी कर सकते हैं। तो आपको इसका आईडी कैसे लेना है, तो उसके लिए आपको क्या करना है, आपको सबसे पहले अपना कोई एक ब्राउजर ओपन कर लीजिएगा और आपको यहाँ पर सर्च कर देना बेनिफिशियरी डॉट एन एच ए डॉट जी ओ वी डॉट इन। जैसे ये सर्च करके यहाँ पर टाइप करके सर्च करते हैं तो आपके सामने इस तरह से बेनिफिशियरी पोर्टल आ जाता है। इस पर क्लिक कीजिएगा, इस पर क्लिक करने बाद आपको यहाँ पर क्या करना है, ऑपरेटर वाले पे क्लिक करना है और नीचे साइन अप का बटन आता है इस पर क्लिक कीजिएगा। इस पर क्लिक करने बाद आपको अपना आधार नंबर डाल के वैलिडेट पे क्लिक करके आपको यहाँ पर उसका जो भी यहाँ पर आप यहाँ पर जैसे हम यहाँ पर एक आधार नंबर डालते हैं, तो यहाँ पर आधार नंबर डालने के बाद वैलिडेट पे क्लिक करते हैं। वैलिडेट पे क्लिक करने बाद एक केवाईसी मोड पे आपको यहाँ पर आधार ओटीपी सेलेक्ट कीजिएगा, तो इस तरह से कंसेंट आ जाता है, अलाउ करना और यहाँ पर अलाउ कीजिएगा। तो यहाँ पर देखते हैं ओटीपी सेंड हो चुका है, तो यहाँ पर ओटीपी फिलअप करके आप सबमिट कीजिएगा। तो उसके बाद आपके यहाँ पर आईडी क्रिएट करने का ऑप्शन आएगा, यहाँ पर मेरा ऑलरेडी है तो हम डायरेक्ट क्या करते हैं लॉग इन पे क्लिक करते हैं। आप यहाँ से भी रजिस्टर कर सकते हैं, आप लॉग इन भी करके अपना रजिस्टर कर सकते हैं। तो यहाँ पर क्या करते हैं अपना मोबाइल नंबर यहाँ पर रजिस्टर वाला डालते हैं और यहाँ पर वेरीफाई करते हैं। वेरीफाई पे क्लिक करने बाद इस तरह से मेरे मोबाइल पर ओटीपी सेंड कर दिया जाता है। अब आपको यहाँ पर ओटीपी फिलअप करना है, नीचे कैप्चा फिलअप कर देना है। तो चलिए यहाँ पर हम ओटीपी जो आया है उस ओटीपी को यहाँ पे हम फिलअप कर देते हैं। तो यहाँ पर ओटीपी फिलअप कर दिया, फिर नीचे कैप्चा शो कर रहा है, आप जो कैप्चा सही सही फिलअप कीजिएगा और यहाँ पर लॉग इन पे क्लिक कीजिएगा। लॉग इन पे क्लिक करने बाद यहाँ पर देख सकते हैं मेरा रोल जो है, यहाँ पर देख सकते हैं मेरा दो रोल अप्रूव है। यहाँ पर देखते हैं एस एच ए बी आर में कार्ड क्रिएशन एजेंसी और यहाँ पर एंट्री नेम में सी एस सी और रोल में ऑपरेटर भी आई एस और यहाँ पर अप्लीकेशन में बीस। मेरा जो ये है 26/2 को मेरा यहाँ पर देख सकते हैं हम अप्लाई किए तो मेरा यहाँ पर एक ही दिन में अप्रूव हुआ था। और मेरा देख सकते हैं एस एच ए बी आर कार्ड क्रिएशन एजेंसी सी एस सी और ये मेरा यहाँ पर रोल सिर्फ चेंज है, यहाँ पर एजेंसी ऑपरेटर है। अगर आपको क्या करना है यहाँ पर देखते वो भी अप्रूव है। तो आपको क्या करना है, अगर आपके पर पहली बार है तो आपको लॉग इन करके रजिस्टर करके आप वहाँ पर रोल एड कीजिएगा। मैंने रोल एड करना, तो यहाँ पर हम रोल एड करने के लिए यहाँ पर आपको प्रेसिडेंसी में आपका जो भी स्टेट है उस स्टेट को सेलेक्ट कीजिएगा। तो आपको एस एच ए लिख देना है, अगर बिहार है तो बिहार आसाम जो है आप यहाँ से सेलेक्ट कर लीजिएगा। फिर आपको एंट्री टाइप पे आपको क्या करना है, कार्ड क्रिएशन एजेंसी सेलेक्ट कर लेना है। फिर यहाँ पर एंट्री नेम में आपको यहाँ पर सी एस सी सेलेक्ट कर लेना है। फिर अपना यूजर रोल पे आपको क्या करना है, यहाँ पर देख सकते हैं एजेंसी ऑपरेटर, आपको एजेंसी ऑपरेटर सेलेक्ट कर लेना है। फिर आपको यहाँ पर अप्लीकेशन में बी आई एस और अपना एडमिन कार्ड डाल के एड पे क्लिक कीजिएगा। तो यहाँ पर हम अपना एडमिन कार्ड डालते हैं।
अब डालिएगा, फिर एड पे क्लिक कीजिएगा, इस तरह से एड हो जाएगा। और आपको यहाँ पर, हम यहाँ पर गलत एडमिन कोड डाले, आपको यहाँ पर क्या करना है, सही एडमिन कोड डालिएगा, तो आपको यहाँ पर एडमिन कोड डाल के यहाँ पर सबमिट करने का ऑप्शन आएगा। तो आप यहाँ पर एडमिन कोड डाल के आप सबमिट पे क्लिक कीजिएगा, तो आपका रोल यहाँ पर एड हो जाएगा। तो यहाँ पर देख सकते उस इस तरह से आपको एड कर लेना। आप यहाँ पर पहली बार रजिस्टर भी कर रहे हैं तो आप एजेंसी ऑपरेटर यहाँ पर एड करते हैं, तो इसी तरह से एड करना। और यहाँ पर लॉगिन भी करके करते हैं तो आपको एड रोल पे क्लिक करके एड कर लीजिएगा। मेरा यहाँ पर दोस्तों दो रोल है, यहाँ पर ऑपरेटर भी आई है, एजेंसी ऑपरेटर मेरा अप्रूव है। तो मेरा यहाँ पर 26 को मैं यहाँ पर रजिस्टर किया, तो मेरा एक ही दिन में अप्रूव हो गया था। यहाँ पर हम सीएससी से किए थे, अगर आपके पास सीएससी है तभी आप यहाँ पर कर सकते हैं अपना सीएससी में। आपको यहाँ पर जो भी आपका सीएससी का डीएम होता है वो आपका एडमिन कार्ड देता है, आप वहीं से रजिस्टर यहाँ पर एडमिन कार्ड डाल के यहाँ पर रोल एड कर सकते हैं। दोस्तों हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे किस प्रकार से यहाँ पर जो यहाँ पर आयुष्मान कार्ड का जो एजेंसी ऑपरेटर आ गया उससे किस प्रकार से कार्ड को यहाँ पर डाउनलोड किया जाता है, कार्ड को प्रिंटिंग के लिए भेजा जाता है, कार्ड को वितरण करने के लिए भेजा जाता है, ये सारा प्रोसेस हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।